हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 21, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड, अ क्यूबॉइड इज़ अ सॉलिड बाउंडेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। कि जो क्यूबॉइड है वो एक सॉलिड होता है और वो टोटल सिक्स रेक्टेंगुलर फेसिस जो होते हैं उससे बना होता है। अब जैसे हमारे पास है ये बॉक्स है, ठीक है, तो इस बॉक्स में इसके टोटल हैं फेसिस सिक्स। ये फर्स्ट फेस है, सेकंड फेस, और ये हो गया थर्ड, फोर्थ, और ये इधर से फिफ्थ, एंड इधर से ये सिक्स। और सारे जो फेसिस हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में हैं, ठीक है। तो इसलिए जो क्यूबॉइड है वो टोटल जो सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस से बना होता है। अब अगर इसकी बात करें जो इसके एजेस हैं, तो एजेस कौन से होंगे, जैसे ये साइड बाय, ये इधर, ये वन टू थ्री फोर, ओके। अब नीचे से इधर से फाइव सिक्स सेवन एट, एंड नेक्स्ट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, ओके। ये टोटल कितने हैं, एजेस कितने हो गए हमारे पास, ट्वेल्व, ओके। अब बात करेंगे इनके वर्टेक्स की। अब इनके वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये कॉर्नर है यहाँ पे, वन टू थ्री और फोर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल जो क्यूबॉइड के वर्टेक्स होते हैं टोटल होते हैं एट, और इसके टोटल फेसेस होते हैं सिक्स, और वो सारे रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। और नेक्स्ट एजेस मैंने ये बताया है, जैसे मान लो आपने टेप लगानी है, यहाँ पे इसको कवर कर रहे हो, टेप आपने इसके हर साइड पे लगानी है, हर एजेस पे लगानी है, तो वो कहाँ कहाँ पे लगाओगे, इधर ये वाली वन टू थ्री फोर, नीचे भी सेम वे से इधर लगाओगे, इसके भी फोर ये बन जाएंगे, फोर इधर से, फोर फोर एट, और इधर से ये बन जाएगा, इधर से वन और टू, और इधर भी बन जाएगा ये इधर से वन एंड टू, ठीक है। तो टोटल बन जाएंगे फोर इसके थे, फोर नीचे, टू और टू, ये टोटल बन जाएंगे ट्वेल्व। ट्वेल्व एजेस, वर्टेक्स एट, एंड फेसेस जो हैं वो होते हैं सिक्स, और वो सारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अब शेप और एक सॉलिड, शेप तो मैंने बता दी ये जैसे रेक्टेंगुलर है, तो जस्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और उसकी शेप बताई कौन से कौन से शेप में है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड होता है वो जो है वो स्पेस लेता है, जैसे ये भी ये बॉक्स है, और इसकी कैपेसिटी हम बता सकते हैं, इसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर है वो एक प्लेन है, प्लेन रीजन है, ठीक है। और इसमें जैसे अगर हम बॉक्स में देखेंगे कि बॉक्स में हम क्या क्या यहाँ पे इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया, अगर मान लो मैंने इसको पेंट करना है, ठीक है, जो हमारा रूम होता है वो भी सारा क्यूबॉइड की शेप में होता है। अभी जैसे वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल्स की बात करें, फोर वॉल्स हैं, सीलिंग है, नीचे बेस है, फ्लोर है, ठीक है, तो उसके भी टोटल फेसेस हो गए सिक्स, और वो सारे रेक्टेंगुलर शेप में हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर पेपर जो है पेस्ट करना है, या इस बॉक्स को मैंने पेंट करना है, ठीक है, तो पेंट मैं यहाँ पे करूँगी बीच में, अगर मैं इसके बीच में पेंट डालूँगी तो वो पेंट जो है वो ये इसका क्या होगा, इसकी कैपेसिटी होगी कि हम इसमें कितना पेंट डाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है, ये कितनी चीज़ होल्ड करता है। लेकिन सरफेस एरिया ये सरफेस है जहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं, जैसे हमारा रूम है, अगर रूम में जहाँ कोई मान लो रूम ही है, तो रूम के जो वॉल्स हैं उन्हीं को आप पेंट करोगे, जो बीच में जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ बेड रखा हुआ है, जहाँ अलमीरा रखी हुई है, तो वहाँ पे तो नहीं हमने पेंट करना, हमने पेंट कहाँ करना है, उसकी वॉल्स को करना है, उसकी सीलिंग को करना है, ठीक है। तो वो जो वॉल्स हैं वो क्या है, सरफेस एरिया, और जो बीच में जहाँ जो जहाँ पे हम बैठे हैं बैठते हैं वो चीज़ है वॉल्यूम, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। कि रूम में अगर मान लो हमने एक रूम में बैग रखने हो, कोई वीट बैग है, हमने देखना है कि इस रूम में हम कितने बैग रख सकते हैं, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी, उसका वॉल्यूम होगा, और सरफेस जो एरिया है वो साइड बाय साइड आएगा, और वॉल्यूम बीच मीन्स उसमें जो एयर होगी वो भी इंक्लूड होगी, ओके। अब जैसे है ये बॉक्स, ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये कौन सी शेप में है, क्यूब की शेप में,
ठीक है। अब कि बॉयड और क्यूब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो ये नहीं देखना कि छोटा बड़ा है, ये नहीं, इनमें क्या होता है, जो कि बॉयड होती है उसकी लेंथ, ये उसकी लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हाइट, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जो हैं वो अलग अलग होती हैं, और जो क्यूब होता है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट वो सारी सेम, लेंथ ये होगी इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट क्यूब के, और जो इसके जो टोटल फेसेस होते हैं वो भी सिक्स होते हैं, इसके टोटल फेसेस जो हैं टोटल सिक्स हैं, 1, 2, 3, ये इसका बैक 4 और इधर से 5 और 6, इसके भी टोटल फेसेस 6, वर्टेक्स 8 और जो एजेस हैं वो 12 होते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है तीनों अलग अलग होती हैं, और जो क्यूब होता है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है। ओके, एक्सरसाइज 21.1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, पहले इसके रिजल्ट देख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। एंड अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो आपको वॉल्यूम गिवन होगा, ब्रेथ दी होगी और हाइट भी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर आपने ब्रेथ फाइंड करनी है उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। कि जैसे अगर L फाइंड करना है तो यहाँ पे BH आ जाएगा, और अगर ब्रेथ फाइंड करना है आपने LH, लेंथ और हाइट से डिवाइड कर देना वॉल्यूम को। अब हाइट फाइंड करोगे तो फिर आपने वॉल्यूम को L इंटू बी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसकी सारी साइड सेम होती है इसलिए इसका रिजल्ट होता है साइड क्यूब, या फिर आप L क्यूब लिख सकते हो, एज क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है। सम नंबर फर्स्ट है, उसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना था कि बॉयड का, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का रिजल्ट लगाया एल इंटू बी इंटू हाइट, वैल्यू रिप्लेस कर दिए, इनको मल्टीप्लाई कर दो। और जो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हम, जैसे मीटर दिया है तो आप मीटर क्यूब लिखना, अगर सेंटीमीटर तो आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट जो इसका, इसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, लेकिन जो लेंथ है वो मीटर में है, ब्रेथ और जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है, इसीलिए जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इनके यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किंग हैरी डाइट आप लोगों को याद होगा जो करवाया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या आएगा कि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आ जाएगा 1200, वन डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया तो आ गया 120 सेंटीमीटर। और ब्रेथ जो है, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे फिर आपने फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी और मल्टीप्लाई करके आ गया 54,000 सेंटीमीटर क्यूब। सम नंबर सेकेंड, इसमें हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला साइड क्यूब, और इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी 4^3, तो 4^3 मीन 4 को आपने 3 टाइम लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें है 1.5 डेसीमीटर, ठीक है। साइड गिवन है, फिर हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, एल क्यूब लिख लो चाहे आप यहाँ पे एल लिख लो, ऐसे डिनोट कर देना कि एल है, साइड गिवन है और साइड क्यूब, तो आपने इसको 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 1, 2, 3, तो आपने पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया और ये आ गया डेसीमीटर क्यूब। अब जो इसके जो आंसर्स हैं आपकी बुक में वो सेंटीमीटर क्यूब में हैं, अगर आप इतना भी रख दो तब भी ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये नहीं मेंशन है कि आपने जो इसका वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में फाइंड करना है। अगर इतना भी रख लो तब भी ठीक है, अगर आंसर टैली पूरा करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है, इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किंग हैरी डाइट के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, किंग हैरी डाइट मदर डिड नॉट क्राई मच। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे है डेसीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यहाँ पे एक जंप हो रहा है तो मींस जो डेसीमीटर है उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10। अगर 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है तो अगर उनकी पावर क्या है, 3 है, तो आपने भी 10 को 3 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो कितना बन जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए आपने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, 030 कट होगी, डेसिमल के बाद लास्ट वाली 0 कट हो जाती हैं और बाकी हमारे पास आ गया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर जो थर्ड है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ अ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हाइट फाइंड करनी है और उसका वॉल्यूम गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ जो है, लेंथ है हमारे पास 5 और जो ब्रेथ है वो गिवन है 4। ओके, तो यहाँ पे
फाइंड हमने क्या करना है, हाइट, हाइट का फॉर्मूला लगा दो, हाइट और जब आपने फाइंड करनी है क्यूबॉइड की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो 100 अपॉन 5 इंटू 4 और कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।